the crown. Don't be shy, girl, boom bonanza. Shake your body like a belly dancer. तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो देखी, एक्चुअली में ये वाला ट्रेंड दोस्तों बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय अपने, मतलब आप देखोगे तो रील्स पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैं रील्स देख रहा था, और साथ ही साथ मैंने वाईटी शॉर्ट पे जो मैं शॉर्ट्स देखता हूँ तो उस पर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब आप जिसके लिए भी एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल सा सिखाने वाला हूँ, और जो आपने शुरू में एडिट देखा वो मैंने ही करा था, एंड इसी की तरह मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसे बहुत सिंपल से एडिटिंग कैसे कर सकते हो। एक्चुअली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको म्यूज़िक को लेना है एंड सब कुछ। तो दोस्तों, ये वाला जो ट्रेंड है मतलब दो तरीके से है, मैंने दो तरीके से देखा है। एक्चुअली तरीके से मतलब ये होता है कि सिंपल सा जो एडिट के अंदर वाला ट्यूटोरियल होता है उसमें कौन सा मतलब इफेक्ट्स वगैरह लगे, ये सब चीज़ें मैंने अंदर देखी थी। एंड मैं ये साथ ही साथ बताऊंगा कि आप क्लिप्स कहाँ से ले सकते हो, मतलब अगर आप किसी एनिमी के लिए बना रहे हो या फिर किसी अपने फेवरेट करेक्टर के लिए बना रहे हो तो उस सबकी क्लिप्स कहाँ से ले सकते हो, तो सब बताऊंगा। जैसे वो भी क्लिप्स मैंने डाउनलोड करी थी तो वो कैसे करी थी, ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला। एंड हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम इस टाइप का वीडियोज लाते रहते हैं, मतलब एडिटिंग वीडियोज लाते रहते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के बहुत सारे टिप्स, यूट्यूब के टिप्स वगैरह जो आपको आगे आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो को तुरंत आप देख लो, ठीक है। एंड लाइक आप कर ही देते हो तो उसे बताने की ज़रूरत है नहीं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बिकॉज यार हम जिस तरह मतलब थोड़ा आगे बढ़ ही रहे हैं, मतलब धीरे धीरे, तो और भी ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा, अगर आप बहुत सारे चैनल के फायदे उठाने चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर टैप करके आप उधर के ऑफर्स देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, थैंक्स बटन पे भी आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कैसे इस वीडियो को एडिट करें। तो जो सबसे पहला काम करना है आपको, सिंपल सा प्ले स्टोर पे आके VN ऐप को डाउनलोड करना है। एक्चुअली में ये बहुत इजी रहता है इसे एडिट करने के लिए, और मैं आपको एडिट करके मतलब इजीली ही दिखाऊंगा, मतलब अगर आपको नहीं भी आता तो बहुत इजीली इसे मैं आपको समझा दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस पर कोई वाटरमार्क नहीं आता है तो काफ़ी आसान रहता है, ठीक है ना। तो मतलब हमें कोई वाटरमार्क नहीं करना, सीधा एक्सपोर्ट करना है एंड हमारा वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा, आप जब इसे डाउनलोड कर लो तो इधर ही से आप ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करते ही आपको क्या होगा, इधर आप स्किप करना, मतलब ये कोई ऐड नहीं है, मतलब एक तरह से ये कहता है स्किप 5 सेकंड, तो आप पहले भी कर सकते हो। सिंपल सा मेरा वो बैनर पे टच हो गया तो फिर ऐड खुल गया। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इधर प्लस वाले आइकन पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब इधर से आपको स्वरूप होता है कि आपको वीडियोज़ कौन सी लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा आप चाहो तो इधर फोटोज़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फोटोज़ का भी यूज़ कर सकते हो। इससे वीडियो को अच्छा बनाने के लिए भी फोटोज़ आप लगा सकते हो। वीडियोज़ का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल सा अगर आप अपनी वीडियो बना रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस टाइप से आप उसे रिकॉर्ड करते हो एंड, है ना। बाकी मैंने मतलब आगे वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कैसे आप हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर सकते हो, प्लस इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, ये सब आगे आएंगी। बट फिलहाल इधर बात करते हैं कि आप इस वीडियो में आप कैसे क्लिप्स लोगे। अगर आप कोई कार्टून की क्लिप्स लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब जैसे कि मेरा हैरी पॉटर करेक्टर था, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको इधर एक दिखाता हूँ, यूट्यूब पर आप खोलना अपना, ठीक है। यूट्यूब के होम पर आप आ जाना, उसके बाद क्या करोगे, आप सर्च करना। तो आप इधर सर्च क्या करोगे, जैसे कि मान लो मैंने हैरी पॉटर का ले लिया था, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इधर आपको कोई क्रिकेटर का लेके दिखाता हूँ, जैसे कि रोहित शर्मा है, ठीक है। मान लो एक तरह से रोहित शर्मा क्लिप्स फॉर एडिटिंग, ठीक है। तो आप इतना डालोगे, इधर आपके पास बहुत सारी हाई क्वालिटीज़ की वीडियोज़ आ जाएंगी जो आप मतलब बहुत ईजिली से कर सकते हो डाउनलोड। अब डाउनलोड कैसे करना है यार, ये सब फिलहाल मैं ऐसी वीडियो में बता दूंगा। किसी अगर आप पूछोगे तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, उधर पूछ सकते हो, ठीक है, ये सब बातें आप पूछ सकते हो सिंपल सा। एंड जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने हैरी पॉटर करा था तो मैंने इधर टाइप करा था हैरी पॉटर क्लिप्स फॉर एडिट। अब इधर बहुत सारी क्लिप्स आ गई, और सबसे अच्छी बात है कि हाई क्वालिटीज़ की क्लिप्स आती हैं, तो इधर मैं इजीली डाउनलोड कर पाता हूँ। एंड अब हम चलते हैं अपने सिंपल सा VN ऐप पे दोबारा से। तो इधर मैंने कल एक वीडियो ऐड करी थी तो उसे मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अभी ये 2 मिनट की है, तुरंत ऐड हो गई, बट थोड़ा प्रोसेसिंग होगा अगर आपकी थोड़ी बड़ी क्लिप है, ठीक है। फिर एक बार जब आप प्रोसेसिंग कर लोगे फिर आपकी आसानी से ऐड होने लगेगी। अब इधर हम सबसे पहले इसे डिलीट करके इधर म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं। म्यूज़िक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हो जाके। तो इधर अब मैं सिंपल सा एडिट इधर मैंने ले लिया। अब काफ़ी ज़्यादा मतलब तरीके हैं जो आप इसे बना सकते हो। तो देखो, अब मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। एक्चुअली मैं बहुत शुरुआत हो चुकी है। तो देखो, ये रहा आपका सॉन्ग, ठीक है। अब देखो, इधर मैंने कुछ बीट्स लगा के रखी हैं, आप बीट्स पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो। तो मैंने इधर बीट्स लगा के रखी हैं जब जब मुझे अपनी फोटो चेंज करनी है। आप भी सिंपल सा कर सकते हो। सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो आओ इस म्यूज़िक पे क्लिक करो,
बीट्स के ऑप्शन पे जाओ, तो सबसे पहला जो आपको लगाना है सिंपल सा बीट्स कैसे लगा सकते हो, मान लो आप ये सेकंड्स लगे नीचे, आप 3 सेकंड पे है तो आपने ये लगा दिया, फिलहाल मुझे इधर नहीं लगाना तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी पहला बीट लगाया है 4 सेकंड पे, आप भी इधर लगा लेना। सेकंड जो बीट है 4.5 सेकंड, जो थर्ड बीट है वो 5 सेकंड पे, ठीक है, एंड जो फोर्थ बीट है वो हमारा है 6 सेकंड पे, और जो 6.5 पे फिफ्थ बीट वाला सेकंड है, और 7 सेकंड पे सिक्स, ठीक है, एक बीट आती है। और ये फिर बात की बीट्स हैं, ठीक है, इसे भी आप मतलब अगर लंबा एडिट करना है तो इसे भी कर सकते हो, फिलहाल हम बताएंगे कि कैसे एडिट करना है। अब सिंपल सा हमारा पता चल चुका है हमने किस क्लिप पे कौन सी वीडियोस लगानी है, अब हम अपना वीडियो एडिट करना चालू करेंगे। तो जैसे कुछ वीडियो मेरी इधर से स्टार्ट होती है तो इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये बार्ड वाला पार्ट डिलीट कर देंगे, अब बचा हुआ पार्ट को हम एडिट करेंगे। अब एडिट कैसे करेंगे, मतलब सिंपल सा आपको इस बीट तक एक फोटो लगानी है, जो आपका ये पहला लाइन है इधर तक आपको एक फोटो रखनी है अपनी, ठीक है, तो इसे हमने क्लिक करा और सिंपल सा अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये पार्ट अब अलग है, अब इधर से जो शुरू होता है वो अलग पार्ट है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, जैसे देखो इधर मैंने YouTube चली थी तो इधर देखो थोड़ा चेंज हो गया, तो हम ऐसी क्लिप ले लेंगे जो दोस्तों मतलब पूरे उधर तक रहे, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाली क्लिप थोड़ी लंबी है तो ये मेरे इधर तक है इस लाइन पर, अब हम इस पर कलर के स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और देखो आप अपने दोनों फिंगर से थोड़ा ये स्क्रीन बड़ी कर लेना जिससे आपको एडिट करने में आसानी रहे। एंड सिंपल साहब देखो इधर तक मेरी है, ये पहला बीट था हमारा, इस पर आप क्लिक भी कर सकते हो, अब पहला बीट तक हमारा पहला एडिट था, अब ये जो इधर से लेके इधर तक लाइन है इसमें हम अपने दूसरी बीट रखेंगे, अब वो कैसे रखना है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल साहब देखो इस बीट पे क्लिक करोगे और मतलब पहले आप क्या करो कि क्लिप ढूंढ लो, अब दूसरी क्लिप लगानी है ना हमें, वो वाली तो हमें सेम लग चुकी, तो अब हमारी ये वाली क्लिप आ रही, ठीक है, तो इसे फिर से स्प्लिट करो, अब इतना पार्ट है वो हमें बेकार का तो हम इसे हटा देंगे, अब हमारा ये फिल लाइन तक आ चुका है, अब देखो ये वाली वीडियो स्टार्ट हो गई, हमें इसी लाइन तक रखनी है सब अपनी, तो अब हम इस पर ही क्लिक कर देंगे एक बार, क्योंकि इस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप टाइम के हिसाब से एडिट करो, फिर इसे क्लिप को कट कर लो, ठीक है, अब ये हमारा इतना पार्ट बन चुका है, अब हमें क्या करना है अपना ये वाला पार्ट है जो बचा हुआ, अब फिर हमें नया पार्ट लाना, अब हमारा नया पार्ट इधर से आ रहा है तो इसे स्प्लिट करेंगे और बाकी के बचे हुए डिलीट कर देंगे। अब जैसे ही हम डिलीट करेंगे उसके बाद हमारा क्या है कि फिर एक अलग पार्ट आ गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे दूसरा अलग पार्ट ढूंढेंगे, पहले तो हम मतलब सिंपल सा इस वाली लाइन तक एडिट कर लेंगे क्योंकि हमें इस वाली लाइन तक रख के अलग पार्ट लेना है, तो हम सिंपल सा सारे पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, अब देखो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, अब इस वाले पार्ट तक हम ये वाला पार्ट, अब फिर हमें इस वाले जो ये बीट है इस पर हमें ये वाला पार्ट रखना है, और अब फिर हमें नया पार्ट ढूंढना है, ठीक है, अब नया पार्ट हमें जैसे ही मिलेगा हम इसे एडिट करके बचे पार्ट को मतलब जो पहला वाला पार्ट है उसे डिलीट कर देंगे, अब फिर हमें सिंपल सा इसके कट करके नया पार्ट लेना है, ऐसे ही कर करके दोस्तों हम सारे अपने नए पार्ट लेंगे एंड बचे हुए वाले को डिलीट, एंड देखो जैसे ही ये वाला आ जाएगा फिर इसे कट करेंगे एंड इधर फिर एक नया पार्ट लगाएंगे, बिकॉज दोस्तों हमें मतलब नए पार्ट लाना है जिससे हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। एंड जैसे ये चेंज होता है फिर इस वाली लाइन पे आओ, अब देखो इधर से थोड़ा नया चालू हो जाएगा, मतलब इधर से जो लास्ट की बीट है उसे भी आप ऐसे ही एडिट कर सकते हो, ठीक है, अब सिंपल सा इस बीट तक भी मैं वो दोबारा से नई बीट कोई फोटो ले आऊँगा, तो सिंपल सा दोस्तों देखो आप ऐसे ही मैंने इस लाइन के लिए भी कर लिया, ऐसे ही आप धीरे धीरे सबके लिए लगा लो, ठीक है, सबके लिए आप धीरे धीरे लगा लो और आपकी वीडियो एडिट होगी, तो मैं जल्दी से आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो मेरा सिंपल सा एडिट हो चुका है, अब देखो अब आपको क्या काम करना है, देखो एक मेन काम बचा है, ठीक है आपका, तो अब आपको क्या करना है आपका ये वाला जो कट है, ठीक है, तो इस पे आप दो चीज़ कर सकते हो, या फिर तो आप सिंपल सा एक एफएक्स लगा सकते हो जो कि वाइट वाला है और इसे बिल्कुल छोटा कर सकते हो, ठीक है, एंड दूसरा काम आप ये कर सकते हो सिंपल सा इस पे क्लिक करके जो ये प्लस वाला आइकन है इस पे क्लिक करके आप वाइट वाला इफेक्ट लगा सकते हो और जिसे आप बिल्कुल -20 कर सकते हो, तो सिंपल सा दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप इसे देख सकते हो जो आपके ऊपर सूट करता है वो करो, ठीक है, तो सिंपल सा मैं ये वाइट वाला करता हूँ और सब पे एडिट कर देता हूँ, इधर से भी मैं एफएक्स हटा के वाइट ही वाला करता हूँ, ठीक है, तो आप भी सिंपल सा एडिट को एडिट करना है कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट एक्चुअली मैं कोई आइडिया देने वाला हो मतलब जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया, अब इसके हिसाब से आप अपनी और अच्छी बना सकते हो, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, उधर आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी बात जो आपको पूछनी है, ठीक है, तो सिंपल सा मैं एक एक कर दूंगा इसे, गाइस आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब यार अब देखो मैं ये खुद कह रहा हूँ, अब देखो जो लास्ट के पार्ट है उसे आपको जूम वाला इफेक्ट देना है, अब जूम वाला कैसे, एक को जूम इन एक को जूम आउट, ठीक है, तो इससे काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है आपको, तो ऐसे आप देख सकते हो जूम इन जूम आउट, ठीक है गाइस, और ये था काफ़ी सही लग रहा है, अब वो तो आप देखना कि आपको कैसा लग रहा है, तो सिंपल सा मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है तो सॉरी माफ़ करना, तो देखो एक बार एडिट और मिलते हैं अगली वीडियो में। Girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.